नमस्कार, मैं सोनम शर्मा, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर फिर आंदोलन। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 शुक्रवार शाम 7:30 बजे से जाम है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर माली सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों ने अरोदा और बैरी गांव के बीच हाईवे को बंद कर दिया। रात भर लोग हाईवे पर पत्थर डालकर लाठियां लिए बैठे रहे। इस बीच संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने शनिवार रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश कर दिए। बाद में नदवई वेर और भूसावर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा, राजस्थान युवाओं के लिए रोजगार सृजन अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जहां राज्य सरकार लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है तथा लगभग इतनी ही नौकरियां देने की प्रक्रिया जारी है। गहलोत शुक्रवार को अजमेर में आयोजित मेगा जॉब फेयर को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है तथा लगभग इतनी ही नौकरियां देने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही 1 लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा बजट में की गई है। उन्होंने कहा, राज्य में निजी क्षेत्र में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसी काम में प्रदेश भर में मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा, राजस्थान के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई। लेकिन मेगा जॉब फेयर तभी कामयाब होंगे, बड़े उद्योग और निवेशक प्रदेश में आएंगे। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं से निवेश के लिए राज्य में उपयुक्त माहौल तैयार हुआ व बड़ी संख्या में निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हुए हैं। राजस्थान में आज 591 कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ और कोटा में 1-1 मौत दर्ज हुई। जयपुर में सबसे अधिक 139 केस दर्ज हुए हैं। भरतपुर में 91, अजमेर में 41, जोधपुर में 44, उदयपुर में 41 केस दर्ज हुए। राज्य में कोविड एक्टिव केस 3,742 हुए। इससे पहले गुरुवार को एक मरीज को कोरोना से मौत हो गई। 659 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इस दौरान 346 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,523 पहुंची। राजधानी जयपुर में काफी समय से चल रहे सार्वजनिक परिवहन की समस्या अब खत्म हो सकती है। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने जयपुर में 2 दर्जन से अधिक नए रूटों को मंजूरी दी है। परिवहन विभाग ने नए रूटों का बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जयपुर में गत काफी समय से सार्वजनिक परिवहन में कमी से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में एक प्रमुख जगह दूसरी जगह पर जाने के लिए लोगों को आसानी से सार्वजनिक परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए बीते दिनों मुख्य सचिव उषा शर्मा ने परिवहन विभाग अधिकारियों को जयपुर में सार्वजनिक परिवहन के लिए नए रूटों की संभावना तलाशने और नए रूट शुरू करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB के 12वें संस्करण का आयोजन 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक किया जाएगा। आयोजन में दुनिया भर के नामचीन ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर शिरकत करेंगे। माना जा रहा है, ट्रेवल बाजार के आयोजन के बाद प्रदेश में ट्रेवल इंडस्ट्री को और मजबूती मिलेगी। G20 देशों में प्रतिनिधि और राजदूत होंगे शामिल। रामबाग पैलेस में होंगे पैनल डिस्कशन। पैलेस ऑन व्हील्स और फॉरेन टूर ऑपरेटर के साथ G20 देशों के प्रतिनिधि राजदूत भी जयपुर पहुंचेंगे। 23 अप्रैल को सवेरे रामबाग पैलेस में G20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत के साथ पैनल डिस्कशन सेशन आयोजित किया जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स का आयोजन किया जाएगा। फेम टूर इस मीटिंग में पर्यटन विभाग की RTDC पुलिस प्रशासन नगर निगम हेरिटेज व ग्रेटर जयपुर विद्युत वितरण निगम चिकित्सक व स्वास्थ्य विभाग स्वायत्त शासन विभाग पुरातत्व विभाग व फिक्की सहित आयोजन से जुड़े अन्य विभागों और संस्थाओं के अधिकारों ने भाग लिया। प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने आयोजन में संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 12 में तकरीबन 56 देशों के 283 टूर ऑपरेटर्स FTO भाग लेंगे। गायत्री राठौर ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों और स्टेट टूरिज्म बोर्ड पर्यटन प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। राजस्थान की 176 नगरीय निकायों और नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में 13,184 पदों की सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। साल 2018 के बाद राज्य में अब सफाई कर्मचारी की भर्ती की जा रही है। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर जारी विपत्ति और आदेशों को एक साल की सफाई का कार्य अनुभव होगा। जरूरी है इसके लिए किसी भी ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी को जो सरकारी या स्वायत्त शासी संस्था में काम करने का अनुभव रखती हो। अनुभव प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून को है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में रहने वाले अनुराग मालू के परिवार पर संकट का एक और पहाड़ टूट गया है। नेपाल के काठमांडू में अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी से उतरते समय लापता होने की चौथे दिन मिले अनुराग की हालत में अब मामूली सुधार है, लेकिन होश अभी भी नहीं आया है। वह अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस बीच परिवार के सदस्यों ने बताया उनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नेपाल में रेस्क्यू करने वाले कंपनी के 3 दिन रेस्क्यू का 70 लाख रुपए का खर्चा बताया। परिवार का कहना है इतनी बड़ी रकम चुका पाना उनके लिए संभव नहीं है। प्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों पार्टियां फील्ड में उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारी के तहत सर्वे शुरू करवा दिया है। इसकी रिपोर्ट विधायकों से भी शेयर की गई है। अब सरकार हर महीने प्रदेश प्रभारी की देखरेख में विधानसभा सीटों का सर्वे करवाएगी। इसकी रिपोर्ट संबंधित विधायकों को शेयर करेंगे। इसी आधार पर कांग्रेस की बड़ी रणनीति तैयार करेगी। खास बात यह है कि कांग्रेस के हाल में एक सर्वे में कई विधायकों की स्थिति बेहद खराब मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर खुद इसकी पुष्टि की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ब्रांच 11 करोड़ रुपए गायब होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। केंद्रीय अधिवेशन ब्यूरो SBI मामले की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि गायब हुए पैसों को IPL सट्टे और शेयर मार्केटिंग में लगाया गया है। इस घोटाले के तार पंजाब के फरीदकोट से जुड़े हैं। CBI टीम ने फरीदकोट के जेतों में छापा मारा, जहां 5 संगठित आरोपियों को घरों की जांच करते हुए उनके अकाउंट भी खंगाले हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई अधिकारियों का बयान सामने नहीं आया है। आबेरी डाकघर में 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले डाक सेवक घोड़े के परमेश्वर राजू आबेरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लालच में आकर 20 लाख रुपए खुद के अकाउंट से ट्रांसफर करने की बात कबूल कर ली है। RAB थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया 7 अप्रैल को डाक मंडल डूंगरपुर में अधीक्षक अनिल चौहान की ओर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया कि उप डाकपाल गोरखनाथ आबेरी के उप डाक घर पहुंचे। इससे पहले डाक सेवक घोड़े के परमेश्वर राजू खुद डाक घर पहुंचे। चुराई गई चाबियों से उप डाक घर का ताला खोला। डाक सेवक घोड़ेले परमेश्वर राजू ने 15 जनवरी 2022 को कंप्यूटर सिस्टम चालू कर फाइनेंशियल में लॉगिंग किया। इसके बाद खुद के बचत खाते में 3 बार 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद बचत खाते से कुल 6 लाख IPM अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इस तरह आरोपी ने डाकघर की राशि का गबन किया।